नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बज और आज के वीडियो में हम बात करेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन के बारे में। हम देखेंगे कि 2017 में कैसे डीआई के क्वेश्चन पूछे गए थे ग्रामीण बैंक के पीओ के एग्जाम में, जिसको आप ऑफिसर स्केल 1 भी जानते हैं। तो हम अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे, हम देखेंगे कि कैसे आप उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है डेटा इंटरप्रिटेशन का, और ये पाई चार्ट पर क्वेश्चन है। और पाई चार्ट का क्वेश्चन एग्जाम में जब भी मिलेगा तो आसान क्वेश्चन मिलता है, आप आसानी से उसको बना सकते हैं, ठीक है। तो पहले आप इनको अटेम्प्ट कर सकते हैं पाई चार्ट के क्वेश्चन को। तो पहले हम पाई चार्ट को समझते हैं। यहाँ देखिएगा, अलग अलग बुक स्टोर में ना एक किताब को बेचा जाता है, बुक को बेचा जाता है। बुक स्टोर का नाम है ABCDE, ठीक है। और टोटल बुक कितने बेचे जाते हैं, 550, ठीक है ना, टोटल बुक का क्वांटिटी है। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है कि अलग अलग परसेंटेज है ना, जैसे ए के पास 18 है, बी के पास 12 है, सी के पास 16 है, डी के पास 32 है, और ई के पास कितना है, 22% बुक है, ई बेचता है, ठीक है। तो पाई चार्ट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, देखिये स्क्रीन पर आ गया, क्या लिखा हुआ, इफ द नंबर ऑफ फीमेल हु बॉट द बुक स्टोर ई आर 21 मोर देन, ठीक है, फीमेल जो है ना 21 मोर देन नंबर ऑफ मेल हु बॉट सेम बुक स्टोर, ठीक है, मेल से 21 ज्यादा है, तो आपको निकालना है फीमेल ने कितना किताब खरीदा। तो यहां देखिएगा, हमने क्या किया, मेल को मान लिया एक्स है, तो फीमेल कितना मानेंगे, एक्स प्लस में 21। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, मेल प्लस में फीमेल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 550 का ई में देखिए कितना किताब खरीदा गया, तो ई से खरीदा गया 22%, तो 550 का क्या हो जाएगा, 22%, ठीक है। ये कट गया, ये कट गया, और ये 5 से 5 दुना और ये 11 हो जाएगा, और ये 5 से काटा था हमने, तो यहाँ कितना आ गया, 121। अब मेल और फीमेल का वैल्यू दिया है, उसको पुट कर दीजिए, तो एक्स प्लस में 21 हो जाएगा ना, एक्स से एक्स प्लस में 21 इक्वल टू में 121, और 2x इज इक्वल टू में 21 इस साइड जाएगा तो माइनस होगा, ये 100 बना देगा, और ये कट के कितना हो जाएगा, 50, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 50। तो देखिए कितने आसानी से हमने आंसर को भी ला लिया, तो समझ में आपको आ गया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन काफी ज्यादा आसान था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो पहले इस क्वेश्चन को हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा, देखिएगा क्या लिखा हुआ है, फाइंड द सेंट्रल एंगल फॉर बुक स्टोर डी। डी के लिए आपको सेंट्रल एंगल निकालना है, तो आपको पता है ना थीटा का वैल्यू क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू में वैल्यू ऑफ कंपोनेंट अपॉन में टोटल वैल्यू इनटू में 360, ठीक है। यहाँ 360 क्या है, पाई चार्ट का जो टोटल एंगल होता है वो 360 होता है। अब यहाँ पे देखिए कि वैल्यू ऑफ कंपोनेंट, किस कंपोनेंट के बारे में पूछा गया, तो कंपोनेंट क्या है, यहाँ पे डी है, ठीक है ना, कंपोनेंट डी है, टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज में वैल्यू दिया हुआ है। तो थीटा इज इक्वल टू में डी का जो वैल्यू है शायद 32 है, देख लेते हैं, डी का वैल्यू कितना दिया हुआ, 32 है, बटे में 100 गुना में 360, 1 0 से 1 0 कट गया, और ये आ जाएगा, ठीक है, 1152, और यहाँ 10 है ना, तो ये पॉइंट लग जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 115.2। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया होगा, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल क्या है, काफी ज्यादा आसान है। हम अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन दिया है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल बुक सोल्ड बाय स्टोर ए एंड सी टुगेदर टू द बुक स्टोर सोल्ड बाय डी एंड ई। आपको निकालना ए प्लस में सी, ए प्लस में सी जब निकालेंगे ना, ए का दिया 18 और सी का, ए प्लस में सी निकालना है, ए प्लस में सी 18 प्लस में 16 तो कितना होगा, 34 हो जाएगा, और इसके बाद क्या होगा, डी प्लस में ई, तो डी प्लस में ई कितना दिया हुआ है, डी प्लस में ई दिया हुआ है, देखिएगा डी प्लस में ई, तो डी 32 दिया हुआ है, ई आपका 22 दिया हुआ है, तो 32 प्लस में 22 कितना होता है, 54। तो रेशियो तो आसानी से निकाल लिया आपने, कट गया 17 और ये 27, तो आंसर क्या आ जाएगा, 17:27। तो देखिए कितने आसानी से हमने इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट किया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन को हम हटा देते हैं, समझ में आ ही गया होगा आप लोग को। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन भी क्या है, बहुत ज्यादा आसान है।
तो देखिए इस क्वेश्चन को पहले हम हटाते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या लिखा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज ऑफ बुक सोल्ड बाई स्टोर ए एंड ई। तो स्टोर ए एंड ई का निकाल लीजिए पहले, स्टोर ए एंड ई, इसका तो 18, इसका 22, और जब एवरेज निकालिएगा तो 40/2, यही पे एवरेज निकाल लीजिए तो 20 हो जाएगा। इतना तो आप मन में कर सकते हैं, और यह 20% ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसी तरह आप निकाल लीजिए सी और डी, तो सी और डी का कितना दिया हुआ है, सी और डी का देखिए, सी और डी का लिखा हो गया होगा तो सी का कितना दिया हुआ है 16 और डी का लिखा हुआ है 32। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ आपको समझाने के लिए, 16 और 32 से ये हो जाएगा 48%, 48 का आधा हो जाएगा 24%, ठीक है। अब इन दोनों परसेंटेज को घटा लीजिए तो कितना आ जाएगा 4%। इतना तो आ गया समझ में, क्योंकि डिफरेंस बिटवीन बोला गया आपसे। अब आप क्या कीजिएगा, अब आपके पास बेस क्या है 550, 550 का क्या कीजिएगा 4% को निकाल लीजिएगा, ठीक है। और ये कटेगा ना दो बार में, और ये 5 होगा ना, ये 11 हो जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा 22, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा 22। आप देखिएगा ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है, डिफरेंस यही आ जाएगा। तो आप ऐसे बनाएंगे तो जल्दी बन जाएगा ना, इतना काम तो आप मन में कर सकते हैं, और इतना सिर्फ आपको कैलकुलेशन करना होगा। तो देखिए 4 क्वेश्चन हमने कितने जल्दी बनाया, ठीक है ना। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी आसान है पर कुछ लंबा है, ठीक है। तो एक लंबा क्वेश्चन आपको आएगा एग्जाम में, अगर आपसे अटेम्प्ट हो जाता है तो बनाइए, नहीं अटेम्प्ट होता है तो कोई बात नहीं, उसको स्किप कीजिए। 4 क्वेश्चन बन गया तो अच्छा है। अब देखिएगा इट्स टोटल बुक ऑफ अनदर पब्लिशर, ठीक है, दूसरा पब्लिशर है, और ये जो पाई चार्ट दिया है ना एक्स वाई जेड पब्लिशर के लिए दिया हुआ है, ठीक है। अनदर पब्लिशर, पब्लिशर का नाम है MNP, इज 20% मोर देन एक्स वाई जेड, जितना भी बेचता है उससे 20% ज्यादा बेचता है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये तो 550 बेचता है एक्स वाई जेड, इससे 120% ज्यादा, ठीक है। ये 10 से 10, 10 से 10 कितना आएगा 660 आ जाएगा। समझ में आ गया होगा कि अब यहाँ पे MNP कितना बेचेगा 660। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद लिखा हुआ है कि देन व्हाट विल बी द टोटल बुक सोल्ड बाय स्टोर ए एंड बी पब्लिशर MNP परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर डिफरेंट स्टोर फॉर MNP रिमेन सेम। जो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो सेम है, तो आपको बताना कि ए और बी में टोटल कितना क्या लिखा हुआ है कि व्हाट विल बी द टोटल टोटल बुक सोल्ड बाय स्टोर ए एंड बी पब्लिशर, ए और बी को मिलाकर टोटल कितना बुक सोल्ड हुए वो हमें बता देना है। तो ए का कितना है, ए का दिया हुआ है 18%, ठीक है। और किसका पूछा हुआ है ए के साथ बी का, तो बी का देखिए 12% दिया हुआ है, तो हम यहाँ 30 लिख ले हटा के, तो हम यहाँ 30 लिख लेते हैं, ठीक है। दोनों मिलाएंगे तो 30% होगा, और यह अपॉन में 100, परसेंटेज का 100 जाएगा ना, जब इनको सॉल्व कीजिएगा तो 198 आ जाएगा। तो देखिए कितने आसानी से इस वाले क्वेश्चन का भी हमने आंसर निकाल लिया। तो पाई चार्ट पर पांचों क्वेश्चन आसान हो गया, थोड़ा सा आपको सोचना है, ठीक है ना। क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग किया, एक नया पब्लिशर को ला दिया था MNP, तो भी हमने क्वेश्चन को काफी आसानी से सॉल्व किया। तो ये जो क्वेश्चन थे 5 क्वेश्चन, ये आपको पहले वाले DI का समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये डेटा टेबल है तो इसको हम समझते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है, डायरेक्शन देखिएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट है एंड परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट पास आउट ऑफ दोज हु अप्लाइड आर गिवेन इन टू सब्जेक्ट फ्रॉम ईयर 2001 से 2005 इन कॉलेज एक्स वाई जेड, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया है ना, 2001 से 2005 तक का डेटा दिया हुआ है, और कितने स्टूडेंट अप्लाई किए इकोनॉमिक्स में और स्टैटिक्स में उसका डेटा दिया हुआ है। तो अप्लाइड किए उसका कुछ परसेंट क्या किए पास किए, तो वो डेटा आपको दिया हुआ है। तो डेटा आपको समझ में आया होगा कि डेटा कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है पाई चार्ट इस वाले डेटा टेबल में। अब देखिएगा, अब क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट हु वेयर फेल्ड इन इकोनॉमिक्स, आपको फेल्ड का निकालना है, ठीक है, इकोनॉमिक्स में इन 2002 एंड ईयर 2003, 2002 और 2003 में इकोनॉमिक्स में कितने बच्चे फेल होते हैं उनका औसत निकालना है, एवरेज निकालना है। तो हम देखेंगे, देखते हैं, यहां देखिएगा,
इसको हम पहले स्टेप से बनाते हैं इस वाले क्वेश्चन को, ठीक है। इको इको में क्या लिखा हुआ है, 2002 2002 में क्या लिया हुआ है, 3800 है ना टोटल, और 2002 में 55% दिया हुआ है, 45% क्या है पास है, तो फेल का निकाल लीजिएगा 100 में से घटा के, तो 55% आ जाएगा, कट गया, ठीक है। अब देखिए अपॉन में नहीं, 2003 का आप निकालते हैं तो यहां क्या हो जाएगा 2600 का, क्योंकि 2003 में देखिएगा तो टोटल इकोनॉमिक्स में कितना है अपीयर किया है 2600, ठीक है, तो 2600 का कितना परसेंट, 40%, क्योंकि 60% क्या है पास है, तो 40% क्या होंगे फेल होंगे, तो ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब इनका एवरेज निकालना है तो हम क्या करेंगे, या तो आप पूरा कैलकुलेट कीजिए या फिर देखिए 38 गुना में 55 बट प्लस में 26 गुना में 40 अपॉन में 2, ये कट गया ना 19 आ गया, आप यहां भी काट सकते थे 13। अब थोड़ा मल्टीप्लीकेशन क्या हो गया, कम हो गया, अब मल्टीप्लाई कीजिएगा और सॉल्व कीजिएगा तो सॉल्व तो हो ही जाएगा ना, तो कितना आ जाएगा 1565 आ जाएगा। आप सॉल्व कर लीजिएगा या जैसे भी आपको बनाना होगा इसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आएगा तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट ठीक है फेल्ड इन इकोनॉमिक्स फेल्ड इन स्टैटिक्स इन ईयर 2003 इज व्हाट परसेंट ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल इन इकोनॉमिक्स इन सेम ईयर, ठीक है, सेम फेल इन इकोनॉमिक्स इन सेम ईयर मतलब 2003 में ही आपको निकालना है, पहला क्या दिया हुआ है, पहला स्टैटिक्स दिया है दूसरा इकोनॉमिक्स दिया है और दोनों में फेल का ही लिखा हुआ है, तो हम पहले निकालते हैं स्टैटिक्स का, तो इस वाले क्वेश्चन को हटा देते हैं। अभी देखिए 2003 का ना, तो यहां लिख लीजिए 2003 किसका, इको का इकोनॉमिक्स का, क्या दिया है डेटा 26 गुना में सीधा लिख देना, फेल का बोला है तो देखिएगा 2003 में कितने फेल हुए हैं, ध्यान से देखिए पाई चार्ट को, इकोनॉमिक्स में 2003 में इकोनॉमिक्स में पहले हम स्टैटिक्स है ना, स्टैटिक्स में 2003 में कितना दिया हुआ है 25% है ना, 2500 का 35% पास है, तो यहां लिखना होगा 25 मल्टीप्लाई में 65 फेल हो जाएंगे, ठीक है, परसेंटेज से हमने दो जीरो को कैंसिल आउट कर दिया। अब यहाँ क्या दिया 2600 दिया है ना, तो 2600 का 40%, अभी कुछ देर पहले हमने क्या किया था, बनाया था इको का भी 2003 में, ठीक है, तो 26 गुना में 40 हो जाएगा और परसेंटेज में लाने के लिए 100 से गुना किया जाता है। जब इनको आप सॉल्व कीजिएगा, आप कैंसिल आउट कर लीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा तो 156.25 आ जाएगा, तो अगर इसको आप अटेम्प्ट करते हैं तो आपको क्या करना होगा कि थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना होगा क्योंकि कैलकुलेशन ज्यादा होता है, ठीक है, तो इतना कैलकुलेशन आप कर सकते हैं एग्जाम में। अब देखिए इस क्वेश्चन को हटाते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर इसका 3 देखते हैं इस वाले डेटा टेबल का। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि फाइंड द रेशियो बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर इन इकोनॉमिक्स 2002 टू 2004 टुगेदर, ठीक है, 2 और 4 जितने बच्चे अपीयर हुए इकोनॉमिक्स में एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर इन स्टैटिक्स 2003 से 2005, तो यहाँ पास के नहीं बोला है, सिर्फ अपीयरिंग का बोला है, ठीक है ना, तो हम निकालते हैं इकोनॉमिक्स में 2002 इको में 2002 का, तो ब्रैकेट में लिख लेते हैं आपको समझाने के लिए कि 2002 का डेटा है, तो यहाँ पे क्या दिया, पहला लिखेगा 38 है, फिर कितना है 26 है, 100 है, मैंने दो जीरो हटा दिया कि लिखा मुझे लिखना पड़े कम, ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा आप लोग को, मैंने सभी डेटा को ऐड किया, 2002 से 2004 तक है ना, तो यहाँ डेटा जो दिया हुआ है मैं यहाँ लिख लेता हूँ 2002 से 2004 तक के डेटा है, इस चीज का ध्यान देना है, तो 2, 3, 4 ऐड कीजिएगा, ऐड करके आ जाएगा 112 पे दो जीरो बाद में लगा लेंगे, जब जरूरत होगा तो लगा लेंगे, अभी जरूरत नहीं है। अब स्टैटिक्स का देखते हैं, इसी तरह स्टैटिक्स का आप निकालिएगा 2003 से 5 तक का,
डेटा, तो कितना आएगा 25 प्लस में 32 प्लस में 48, सबको ऐड कीजिए ये आ जाएगा 105। अब इसके पास दो जीरो था, इसके पास दो जीरो था, वो तो कट गया। अब इनका रेशियो ले लीजिए, तो रेशियो लीजिएगा तो 7 के टेबल में दोनों आएंगे, तो 16 सते और 15 सते, तो रेशियो क्या आ जाएगा 16:15। तो देखिए कितने आसानी से हमने इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट किया। तो क्वेश्चन का लेवल क्या होता है, बहुत ज्यादा आसान होता है, आप आसानी से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन क्या है, तो इस क्वेश्चन को पहले हम हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इन स्टैटिक फ्रॉम 2002 टू एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल इन इकोनॉमिक्स ईयर 2005। यानी आपको निकालना है 2002 में कितने पास हुए स्टैटिक्स में और इकोनॉमिक्स में कितने फेल हुए, ठीक है। यह इकोनॉमिक्स और स्टैटिक दोनों निकालना है, तो हम लिख लेते हैं स्टैटिक। स्टैटिक में क्या पास और कब पास, 2002 में, ठीक है। तो हम लिख लेंगे 55% ऑफ, आप देख लीजिएगा परसेंटेज पास का, ठीक है, क्योंकि हमें पास का ही दिया हुआ है 2700। अब शॉर्ट में बनाने के लिए दो जीरो पहले हटा सकते थे, ठीक है ना। और ये कब का डेटा है, 2002 का, ध्यान देना है कि 2002 का है। अभी जब कैलकुलेट कीजिएगा तो 1400 कितना आ जाएगा, 85 आ जाएगा। और ये कब का डेटा है, 2002 का, मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया। अब इकोनॉमिक्स का ऐसे ही निकाल लीजिए, यहाँ क्या है फेल, कब का 2005 का, और यहाँ 22 का है ना, तो दो जीरो हटा देते हैं, और कितना परसेंट 50। तो ये तो बहुत आसानी से आप निकाल लीजिएगा, 1100 निकल जाएगा। अब इन दोनों को घटा लीजिए क्योंकि डिफरेंस पूछा ना आपसे, तो घटा लीजिए कितना आ जाएगा 385। तो देखिए कितने आसानी से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं इस डेटा टेबल के। देखिए आखिरी क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम ईयर 2001 से 2004 के बीच में। एवरेज आपको निकालना है, तो एवरेज क्या हो जाएगा 2001 से 2004 के बीच में, देखते हैं। यहां लिखा हुआ है 42 प्लस में 38 प्लस में 26 प्लस में 48 अपॉन में 4। यहां क्या हो जाएगा, सबको ऐड कीजिए तो 154 आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन इसके आसान होंगे, तो कुछ क्वेश्चन तो आपको बनाना ही है जो आसान होते हैं, और मैंने किसी का सवाल नहीं लगाया, तो अब हम सवाल लगा लेते हैं, ठीक है ना, सवाल लगा लेते हैं ना। इस पे क्या आएगा, सब पे जीरो आ जाएगा, तो अलग से सवाल लिखेंगे तो अच्छा है ना, कैंसिल आउट करना थोड़ा ज्यादा अच्छा होगा, पर मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 385 पर 10 3850 आ जाएगा इकोनॉमिक्स का, ठीक है। ये डेटा दिया हुआ है इकोनॉमिक्स का, एवरेज निकाल लिए कब से कब तक का, 2001 से 2004 तक का। तो ये क्वेश्चन तो सबसे आसान क्वेश्चन था, और देखिए कितने आसानी से हमने पांचों क्वेश्चन को बना लिया। तो फिर भी मैं बोलूंगा डेटा टेबल को आखिरी में सॉल्व कीजिएगा, पहले जो दो आसान ग्राफ होंगे उनको अटेम्प्ट कीजिएगा। आप दोस्तों देख सकते हैं कि अगला ग्राफ क्या दिया हुआ, तो अगला ग्राफ देखिए लाइन ग्राफ है और वो डबल लाइन ग्राफ है, ठीक है। तो इस ग्राफ को हम समझते हैं, ये जो ग्राफ दिया मेल और फीमेल को दिखा रहा है, एक लाइन मेल को दिखा रहा है एक लाइन फीमेल को दिखा रहा है, और ये डायरेक्शन को देख लीजिए, नंबर ऑफ मेल एंड नंबर ऑफ फीमेल आर गिवेन, दे आर विजिटिंग मंडे टू फ्राइडे किसी प्लेस पर विजिट करते हैं जाते हैं, ठीक है। और डेटा किसमें है, डेटा शायद परसेंटेज में नहीं है, डेटा ही दिया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे तो देखिए पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछा गया है, इसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं क्योंकि ये इसके जो क्वेश्चन होते हैं वो आसान होते हैं, कैलकुलेशन थोड़ा सा कम होता है। अब देखिए, फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेल विजिटेड द प्लेस ऑन ट्यूजडे टू थर्सडे, मंगलवार से बृहस्पतिवार तक के एक साथ, टू द टोटल नंबर ऑफ फीमेल विजिटेड टू द प्लेस ऑन मंडे एंड फ्राइडे, ठीक है। मंडे एंड फ्राइडे, केवल मंडे और फ्राइडे को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, आप लाइन ग्राफ में देखिएगा, इसमें सिर्फ आपको लाइन ग्राफ को अच्छे से देखना है, तो यहाँ डिवीजन को समझिएगा। एक डिवीजन जो दिखाता है ना, वो दिखाता है शायद 50 को, मतलब 130 और 180 बीच में गैप हो गया 50 का, 180 और 230 बीच में गैप हो गया 50 का, तो एक लाइन दिखा रहा है 10 को, ठीक है। तो ऐसे काउंट कर लीजिएगा, इसी बात को आपको ध्यान में रखना है।
तो हम यहां देखते हैं मंगलवार से थर्सडे के बीच में क्या दिखना है मेल के बारे में, तो मेल वाला लाइन को देख लीजिएगा कि कहां पे जाता है, तो आप अच्छे से देखेंगे ना तो 140 आ जाएगा, 150 आ जाएगा, ये टोटल कितना आ जाएगा 290। ठीक है, मंडे टू मंडे और फ्राइडे, टू नहीं लिखा है, टू लिखा होगा तो वहां तक जाना होगा हमें, और किसका बोला गया फीमेल का, तो फीमेल को एफ से लिख लेते हैं, और यहाँ पे क्या होगा 170 दिया हुआ है और 130, आप अच्छे से देखिएगा तो ये कितना आ जाएगा 300 आना चाहिए ना, 170 और 130 कितना होता है 300 होगा, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो रेशियो कितना आ जाएगा 29 और 30। तो देखिए कितने आसानी से बना लिए, अगर आप लाइन ग्राफ को सही से देखते हैं तो बन जाएगा, प्रैक्टिस आप अच्छे से करके जाएंगे तो आसानी से बना सकते हैं। इस वाले क्वेश्चन को हम हटा देते हैं क्योंकि आसान क्वेश्चन था बहुत। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल टुगेदर विजिटेड द प्लेस ऑन ट्यूजडे आर व्हाट परसेंट मोर और लेस देन टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल टुगेदर विजिटेड द प्लेस ऑन थर्सडे। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, मेल और फीमेल टोटल निकालना होगा कि कितना था, तो मेल और फीमेल मंगलवार को मंडे प्लस में नहीं मेल प्लस में फीमेल कितना है 14 प्लस में 19 कितना आ जाएगा 33 33 आ जाएगा, और थर्सडे को निकाल लीजिए बृहस्पतिवार को निकालिए तो मेल प्लस में फीमेल, तो मेल प्लस में फीमेल कितना है, आपको इतना नहीं करना है मैं समझा रहा हूं आपको, तो यहाँ 11 प्लस में 15 टोटल कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा। अब यहाँ देखिएगा, अब यहाँ पे क्या होगा ना कि गैप निकालिएगा, तो इनके बीच में गैप निकलेगा, ज्यादा पूछा गया ना तो 7 ज्यादा है, ठीक है किसके तुलना में, तो यहाँ देखना है किसके तुलना में, किसके तुलना में लिखा हुआ है जो सेकेंड वाला है ना इसके तुलना में, ठीक है इसके कंपेयर में, तो यहाँ नीचे क्या लिखेंगे 26 गुना में 100, जब इनको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 350 अपॉन में 26, कैंसिल आउट करके इसको बनाइएगा 350 अपॉन में 13 आ जाएगा, ठीक है हम कैंसिल आउट कर लेते हैं, अब आएगा ना 350 अपॉन में 13, और जब फ्रैक्शन में लाइएगा तो 26 से फ्रैक्शन 12/13%। देखिए कितने आसानी से हमने इस वाले क्वेश्चन को भी बना लिया, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिला, तो अब हम अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है तो अगला क्वेश्चन भी आसान है, अगला क्वेश्चन क्या दिया देखते हैं, अगला क्वेश्चन लिखिएगा, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ फीमेल विजिटेड द प्लेस फ्रॉम मंडे टू वेडनेसडे, ठीक है एंड द टोटल नंबर ऑफ मेल विजिटेड मंडे टू फ्राइडे, यहाँ मंडे टू फ्राइडे और पहले वाले में मंडे टू वेडनेसडे, ठीक है तो मंडे टू वेडनेसडे आपको जाना है, तो बीच में ट्यूजडे भी आता है तो उसको भी आपको कैलकुलेट करना है, तो यहाँ देखिएगा जब टोटल आप ऐड कीजिएगा मंडे टू वेडनेसडे, तो यहाँ देखते हैं मंडे टू वेडनेसडे फीमेल का, फीमेल मंडे टू वेडनेसडे कितना हो जाएगा, हम एक एक जीरो को हटा देते हैं फिलहाल, बस जब यूज होगा तो उनको लिखेंगे, तो जब इनको ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, ठीक है और यहाँ पे हमें देखना था वेडनेसडे से फ्राइडे किसके बारे में पूछा गया, मेल के बारे में नहीं, किसके बारे में, हाँ मेल के बारे में, तो यहाँ पे ऐड कीजिए 18 प्लस में 15 प्लस में 12 सबको ऐड कीजिएगा तो 450 का एक जीरो को हटा दिए 45 आ जाएगा, और एक जीरो तो लगना है क्योंकि एक जीरो हमने लिया नहीं है, अब इनका क्या करना है आपको, इनका डिफरेंस निकालना है, तो अब एक जीरो लगा दीजिए और घटा के निकालिए तो कितना हो जाएगा 50, तो कितना हो गया डिफरेंस 50, और आपसे क्वेश्चन भी यही पूछा हुआ था डिफरेंस बिटवीन, तो ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान था, आसानी से आप इसको बना लेंगे। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैं इस वाले क्वेश्चन को हटा देता हूं, देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ, अगला क्वेश्चन देखिएगा स्क्रीन पर आ चुका होगा, लिखा हुआ है कि इफ ऑन द सैटरडे द नंबर ऑफ मेल एंड नंबर ऑफ फीमेल इंक्रीज बाय 25% एंड 20% रिस्पेक्टिवली एज कंपेयर टू फ्राइडे ऑन फ्राइडे देन फाइंड द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल टुगेदर विजिटेड द प्लेस ऑन सैटरडे, ठीक है तो इस क्वेश्चन को समझिएगा, शनिवार को कितने मेल
एंड नंबर ऑफ फीमेल इंक्रीज बाय 20%, 25% और 20% इंक्रीज करते हैं, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, मतलब क्रमशः कंपेयर टू फ्राइडे। तो ये ग्राफ कहां तक दिया है, फ्राइडे तक दिया है ना, तो ये शनिवार का डेटा है, तो अगला डेटा आपको निकालना होगा। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल विजिटेड, शनिवार को कितने मेल और फीमेल विजिट करते हैं ये आपको निकालना है। तो ये काफी ज्यादा आसानी से आप बना सकते हैं। तो पहला देखिएगा, पहला क्या दिया हुआ है, मेल लिखना है फ्राइडे को, तो देखिएगा मेल 120 लिखा हुआ है, क्या ग्राफ में ध्यान से देखिएगा 120 लिखा है ना, देख लीजिएगा आप, फ्राइडे को 120 मेल होंगे और 25% इंक्रीमेंट हो गया, तो 120 का 25% है, और यहाँ पे जब देखेंगे तो 130 आएगा, 130 का कितना हो जाएगा 120%, क्योंकि 20% का क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ, परसेंटेज आप लोगों को पता होगा, जब इनको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 156, कैंसिल आउट करके आप देख लीजिएगा ऐसे, ठीक है, ये 5 से 25 बार में 5 दुना और ये 6, एक बार अच्छे से आप देख लीजिएगा कैंसिल आउट करके क्या आता है, ठीक है ना। हम फिर से यहाँ देख लेते हैं, 10 से 10, 5 से काटे 25 बार में, ये शायद 150 प्लस में 156, यहाँ 156 नहीं आएगा, यहाँ आ जाएगा 306, इसका सही आंसर हो जाएगा 306, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा आसान था और आप आसानी से इस क्वेश्चन को बना सकते थे, ठीक है। तो लाइन ग्राफ के क्वेश्चन काफी इजी होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल विजिटेड प्लेस ऑन मंडे एंड ट्यूजडे इज हाउ मच परसेंट मोर देन नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल विजिटेड द प्लेस ऑन थर्सडे एंड फ्राइडे। आपको निकालना है टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल विजिटेड ऑन प्लेस मंडे और ट्यूजडे कितना परसेंट है, ठीक है, नहीं कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है मोर देन द टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल जो गुरुवार और फ्राइडे को विजिट करते हैं। तो इसको देखिए कैसे निकालते हैं, यहाँ एंड लिखा है ना शायद, तो मंडे प्लस में ट्यूजडे कितना हो जाएगा 160 प्लस में 140, डेटा आप देख लीजिएगा, ये किसका मेल और फीमेल दोनों का, तो मेल और फीमेल हमने लिखा और यहाँ पे 170 प्लस में 190, तो यहाँ हमने मेल फीमेल लिखा, अब डेटा देख लीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा 660, और दूसरा निकालते हैं थर्सडे वाला, थर्सडे प्लस में फ्राइडे क्या लिखा मेल प्लस में फीमेल, ये आप समझते हैं कि मेल फीमेल का ही पूछा है, तो 150 प्लस में 120 है, ठीक है, और यहाँ पे 110 प्लस में 130, टोटल कितना आ जाएगा, टोटल आ जाएगा 510, देख लीजिएगा मैंने सही लिखा है ना, हाँ मैंने सही लिखा है 510 आ जाएगा, ठीक है ना टोटल। अब क्या पूछा आपसे, इन दोनों का डिफरेंस, तो घटा लीजिए 510 को इसमें से, कितना आ गया 150, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 150, देखिएगा ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो ये कितना आसान था, कितना ज्यादा, तो जब भी मोर या लेस लिखा होगा ना तो आप क्या कीजिएगा डिफरेंस निकाल लीजिएगा, तो इसलिए मैंने क्या किया डिफरेंस निकाल लिया और देखिए कितने आसानी से आंसर आ गया। तो हमारे जो पाई चार्ट का सेट था 2017 में आरआरबी पीओ 2017 में यही तीन सेट आए थे जो कि मेमोरी बेस्ड था, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, अच्छे से इन पर प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि अगर आपका प्रैक्टिस होगा तो आप अच्छा मार्क्स ला सकते हैं डीआई के सेट में। 15 में से कम आपको 12 नंबर तो लाना है, अगर 12 नंबर भी बना लेते हैं एक डीआई से चार क्वेश्चन भी तो भी एक अच्छा मार्क्स हो जाएगा, ठीक है ना, तो कोशिश कीजिएगा 15 में से कम 12। तो चलिए ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आप हमारे वीडियो को देख रहे होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए, क्योंकि हमारे चैनल पर अभी बैंकिंग का क्लास 10 बजे लाइव आता है और रेलवे का क्लास 8 बजे लाइव आता है, जिससे आपको काफी ज्यादा फायदा हो सकता है, और हम प्वाइंट टू प्वाइंट कवर करते हैं, जितना सिलेबस पूछा जाता है एग्जाम में सिर्फ उतना ही सिलेबस को हम अच्छे से कवर करते हैं, ठीक है ना, तो आपको काफी ज्यादा फायदा होगा। और हमारे वीडियो को आपको अच्छा लगता है तो शेयर भी कीजिएगा ताकि किसी और का भी अच्छा हो जाए, किसी और का भी भला हो जाए। तो आपने वीडियो अंत तक देखा इसके लिए थैंक यू, और अगली वीडियो में हम फिर से मिलते हैं, आज का दिन आपका काफी अच्छा रहे, थैंक यू।